हेलो, वेलकम बैक टू अपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए एक न्यू रेफिडेंशियल फॉर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का अगर फ्रंट की बात करें तो जो उसका फ्रंट रहेगा वो रहेगा 26 फीट 9 इंच रहेगा, और इसकी डेप्थ की बात करें जो डेप्थ रहेगी उसकी रहेगी 62 फीट। ठीक है, अब इसके मैं आपके थोड़ा इसके रिक्वायरमेंट बता देना चाहता हूँ। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, एक इसके अंदर हमारा पॉर्च रहेगा, एक इसके अंदर ड्राई रूम रहेगा, और इसके अंदर एक हमारा बेडरूम रहेगा, और एक इसके अंदर हमारी लॉबी रहेगी, और इसके अंदर टॉयलेट और बात ये रहेगी, और एक इसके अंदर हमारा ये ओपन एरिया रहेगा, और एक इसके अंदर हमारा किचन रहेगा, एक किचन ये रहेगा, इसीलिए किचन से टच रहेगा, और एक हमारा ओपन एरिया और रहेगा, और इससे ही हमारी टॉयलेट ओपन, और ये हमारी लॉबी है, ये हमने लॉबी रखी हुई है। एक हमारा बेडरूम ये रहेगा, एक बेडरूम हमारा ये रहेगा, और एक बेडरूम हमारा ये रहेगा, और एक स्टोर हमारा ये रहेगा, और ये ओपन। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ी इसकी डिटेल में बताने देना चाहता हूँ कि इसकी डिटेल क्या है। जो हमारा मेन गेट रहेगा, एंट्री गेट रहेगा, वो एंट्री गेट हमारा यहाँ से रहेगा। ठीक है गाइस, और एंट्री गेट के बाद हमारा जो पोर्च है, और पोर्च की जो हमारी लंबाई रहेगी, वो लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 12 फीट 3 इंच रहेगी, और चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 19 फीट। ठीक है, और जो हमारा ये रहेगा ड्राई रूम रहेगा, इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 13 फीट, और जो चौड़ाई है वो रहेगी 10 फीट 4 इंच रहेगी। और जो हमारा ड्राई रूम से ही जो टच है बेडरूम, बेडरूम की हमारी लंबाई 13 फीट रहेगी, और जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10 फीट 9 इंच रहेगी। और जो हमारा ये लॉबी है, लॉबी की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 11 फीट 4 इंच, और जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 8 फीट 4 इंच रहेगी। ठीक है गाइस, एक लॉबी है हमारी, एक लॉबी ये है। ठीक है, और किचन जो हमारी है, किचन हमारी है 6 फीट 8 इंच, और ये वाली किचन भी हमारी सेम ही है, 6 फीट 8 इंच ही रहेगी। इसकी लंबाई रहेगी वो रहेगी 6 फीट, और चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 8 फीट। ये जो हमारा बात है, बात की जो हमारी लंबाई और चौड़ाई है वो रहेगी 4 फीट 4 इंच 6 इंच रहेगी। ठीक है, और जो हमारा ये टॉयलेट है, टॉयलेट जो हमारा रहेगा वो उसकी जो लंबाई है वो रहेगी 4 फीट, और जो चौड़ाई है वो रहेगी 3 इंच 6 इंच, वो 3 फीट 6 इंच रहेगी। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम की हमारी लंबाई जो रहेगी यहाँ से, लंबाई जो रहेगी यहाँ तक वो रहेगी 12 फीट 3 इंच, और जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 13 फीट 11 इंच रहेगी। ठीक है गाइस, और जो हमारा ये ओपन एरिया है, ये हमने वो जो ओपन एरिया लिया है, ये ओपन एरिया हमने इसलिए लेते हैं, ये एक ओपन एरिया यहाँ पर लिया, एक ओपन एरिया यहाँ पर लिया, एक ओपन एरिया यहाँ पर लिया, हमने ये ओपन एरिया इसलिए लिया है ताकि यहाँ का इसका वेंटिलेशन हमारा हो जाए, वेंटिलेशन हो जाए। और इसके भी जो ओपन एरिया की बात करें तो इस ओपन एरिया की जो हमारा लंबाई है वो है 3 फीट 6 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 फीट 4 इंच है। और इस टॉयलेट की जो हमारी लंबाई है, वो लंबाई जो है वो 4 इंच है, और जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। ठीक है गाइस, और ये जो हमारा बेडरूम जो जो लॉबी है, लॉबी हमने दो टच रखी हुई है। इस लॉबी की अगर बात करें तो लॉबी की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 9 फीट, और जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 9 फीट 10 इंच रहेगी। और इस बेडरूम की हमारी जो लंबाई और चौड़ाई रहेगी वो रहेगी, लंबाई तो हमारी रहेगी 12 फीट 3 इंच, और जो चौड़ाई रहेगी वो 10 फीट 6 इंच रहेगी। इस वाले बेडरूम की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 13 फीट 3 इंच वो 4 इंच, और जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10 फीट 6 इंच रहेगी। और जो हमने ओपन एरिया लिया है, ठीक है गाइस, वो ओपन एरिया हम आपको बताएंगे हमने 3 ओपन एरिया क्यों लिए हैं इसमें, ताकि इसमें वेंटिलेशन और इसका वेंटिलेशन, इन सब का वेंटिलेशन हो जाए। ठीक है गाइस, और इसमें जो हमारी लंबाई है वो है 5 फीट 10 इंच, और जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, वो 4 फीट है। और जो हमारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम जो हमारा हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो है 6 फीट, और चौड़ाई जो है वो है 4 इंच। अब इसके में वेंटिलेशन और डोर की बात बता दो, इसमें वेंटिलेशन कहाँ होएगा और डोर कहाँ पे होगा। ये जो हमने ड्राई रूम लिया है, इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा बारो बार, और इसका जो डोर है वो डोर यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस, और जो हमारा ये इसका बेडरूम है, बेडरूम का जो हमारा वेंटिलेशन होगा ये यहाँ के बारो बार हो जाएगा, और इसका जो डोर है ये डोर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और इसका जो किचन का जो डोर रहेगा वो हमारा डोर यहाँ पर रहेगा, और इस वाले किचन का भी डोर हमारा यहाँ पर ही रहेगा, और इस वाले इसका किचन का जो वेंटिलेशन रहेगा हमारा, ये हमने ओपन एरिया इसीलिए लिया है ताकि हमारा वेंटिलेशन यहाँ से हो जाए, और इस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन हमने ओपन इसीलिए लिया ताकि कि हमारा वेंटिलेशन हो जाए यहाँ पर, और इसका डोर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसकी बात करें, जो ओपन एरिया लिया था हमने,
इसका बेडरूम का जो वेंटिलेशन होगा वो यहाँ से होगा, और इस बात का जो वेंटिलेशन होगा वो भी इससे होगा, और इस टॉयलेट का जो वेंटिलेशन होगा वो भी इससे हो जाएगा। ये हमने ओपन एरिया इसलिए लेते हैं गाइस ताकि हमारा ये वेंटिलेशन हो जाए, और इसका टॉयलेट का जो डोर रहेगा वो यहाँ से रहेगा, बात का जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ से रहेगा, और इसके बेडरूम के डोर की जो बात करें वो डोर हमारा यहाँ से रहेगा, और इसका वेंटिलेशन हमारा इस लॉबी से हो जाएगा, और इसका बात का वो बेडरूम का जो डोर है वो हमारा यहाँ से हो जाएगा, और इस बेडरूम का डोर हमारा यहाँ से हो जाएगा, और इस स्टोर का जो डोर है वो यहाँ से हो जाएगा, और ये जो हमने ओपन यहाँ पे भी लिया है इसका वेंटिलेशन देखो, यहाँ पर इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन होता था वो और गेट पे नहीं हो रहा था, ताकि हम ओपन एरिया इसी लेते हैं ताकि इसका वेंटिलेशन यहाँ पर हो जाए, और इस स्टोर का भी वेंटिलेशन ये देखो यहीं से हो, और इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन यहीं से हो जाएगा, और इस जो ओपन एरिया लिया है हम यहाँ पर एक डोर होल लगा देते हैं। ठीक है गाइस, अब अगर गाइस आपका प्लॉट सेम यही है तो आप इससे जो रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट यही है, हमने आपको रिक्वायरमेंट समझा दिया। अगर आपका प्लॉट सेम यही है पर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंस है तो गाइस आप हमारे से कांटेक्ट, हमारा नंबर है आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आपका प्लॉट डिफरेंस है तो गाइस आप हमारे से जब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गाइस एपेक्स आर्किटेक्ट्स।